पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि हम दुश्मन चुन सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं। लेकिन जिन देशों ने भारत से दुश्मनी करने की ठानी वो दिन रात इसी षड्यंत्र को रचते रहते हैं कि कैसे बांग्लादेश को अपने पाले में किया जाए, जिसकी वजह है बांग्लादेश का सामरिक महत्व। चीन ने बांग्लादेश को तरक्की का सब्ज बाग दिखाकर भारी भरकम निवेश कर रखा है। चीन की 500 से ज्यादा कंपनियों ने बांग्लादेश में लूट खसोट मचा रखी है। ड्रैगन ने बांग्लादेश में अरबों डॉलर का जुआ तक खेल दिया है। लेकिन बांग्लादेश में लाल सुल्तान की बारूदी साजिशों का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने धुआं धुआं कर दिया। टेली सीरीज के इस एपिसोड में देखिए डंका। साल 2012, रखाइन म्यांमार। बर्मा का ये सूबा बांग्लादेश सीमा से लगा है। कुल आबादी 31 लाख के करीब है, लेकिन 10 लाख की आबादी को नागरिकता नहीं दी गई। उनकी पहचान रोहिंग्या मुसलमान के तौर पर है। बर्मा की दलील है कि रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेश के मूल निवासी हैं, जो घुसपैठ करके उनके मुल्क में घुसे, बस्तियां बसाईं। रोहिंग्या मुसलमानों की कई पीढ़ियां बर्मा में गुजर गई, लेकिन विवाद नहीं सुलझा। मसला मजहबी है। रखाइन बौद्ध बहुल क्षेत्र है, रोहिंग्या अल्पसंख्यक है। जिनका संघर्ष जब हिंसा में बदला तब हालात बिगड़ने लगे। रखाइन में रोहिंग्या मुसलमानों पर हमले के आरोप लगने के साथ मिलिट्री ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। बर्मा आर्मी के ऑपरेशन के बाद रोहिंग्या मुसलमान शरण लेने बांग्लादेश और भारत में घुसपैठ करने लगे। लाखों रोहिंग्या के पलायन ने बर्मा के सभी पड़ोसी देशों को संकट में डाल दिया। पूरी दुनिया में रोहिंग्या शरणार्थियों पर चिंता जताई गई, लेकिन भोगना किसे पड़ा? सिर्फ भारत और बांग्लादेश को। पड़ोसी देश के संकटों से दूरी बनाना नामुमकिन है। जो मुमकिन है वो है सही वक्त पर संकट का समाधान, क्योंकि बांग्लादेश की बर्बादी की साजिशें रचने वाले भी पड़ोसी दुश्मन हैं। जिनमें से एक को बांग्लादेश का वजूद कबूल नहीं तो दूसरे दुश्मन को भारत से बैर है। जिस चीन ने बांग्लादेश को मान्यता नहीं दी, जिस चीन ने बांग्लादेश में जनरल राज के दौरान दोस्ती गांठी, वो अचानक बांग्लादेश को तरक्की का सब्ज बाग दिखाने लगे तो साजिश समझना मुश्किल नहीं। शी जिनपिंग के आने के बाद बांग्लादेश में चीन ने खरबों डॉलर का दांव लगा दिया। चीन ने बांग्लादेश से अपने संबंधों को साल 2016 में रणनीतिक साझेदारियों में बदला। दोनों देशों के बीच बेल्ट और रोड इनिशिएटिव के तहत 21.5 अरब डॉलर की डील हुई। अब तक बांग्लादेश में BRI से जुड़े तकरीबन 38 अरब डॉलर का निवेश हुआ है। चाइना याबांग इन्वेस्टमेंट होल्डिंग ग्रुप जैसी 500 कंपनियां बांग्लादेश में कारोबार कर रही हैं। बांग्लादेश अपनी जमीन लीज पर चीन को दे रहा है। चटगांव और फेनी जिलों में चीनी टेक्सटाइल और केमिकल इंडस्ट्रीज लगाई जा रही हैं। उद्योग धंधों के साथ चीन बांग्लादेश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर अकूत दौलत खर्च कर रहा है। बांग्लादेश को डेब्ट ट्रैप पॉलिसी में फंस रहे ड्रैगन की नीयत खतरनाक है। इसका खुलासा चीन के कर्ज जाल में फंसे पाकिस्तान के एक हथकंडे से हुआ। जुलाई 2020 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने शेख हसीना को फोन किया। कोरोना का बहाना बनाकर इमरान खान ने शेख हसीना से बात करने की हिम्मत जुटाई, लेकिन मकसद था बांग्लादेश को उस लीग में लाकर खड़ा करना जिसमें चीन था। भारत चीन LAC झड़प के बाद जिनपिंग की पहल पर इमरान खान ने बांग्लादेश की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, लेकिन दोस्ती के वादे कितने खोखले थे उसकी पोल कुछ दिन में खुल गई। कोरोना से बचने के लिए जब वैक्सीन देने की बारी आई तो चीन ने अपनी वैक्सीन की टेस्टिंग के लिए बांग्लादेशियों को बलि का बकरा बनाने का प्लान बनाया। चीन ने रोहिंग्या कैंप को कोरोना टीका प्रयोगशाला बनाने की डिमांड की।
जबकि भारत ने वैक्सीन बनाने के बाद जैसा वादा किया था उसे निभाया। भारत ने कोविशील्ड टीके की 20 लाख खुराक बांग्लादेश भेजी। बांग्लादेश के विदेश मंत्री डॉक्टर एके अब्दुल मोमिन और स्वास्थ्य मंत्री जाहिद मलिक ने भारत से मिली संजीवनी का ऐलान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महामारी काल में बांग्लादेश की हर संभव मदद की। भारत ने हमेशा बांग्लादेश से सुख दुख के साथी की भूमिका निभाई। वही जो आज की तारीख में बांग्लादेश के जरिए भारत के खिलाफ साजिश में शरीक है। उन्होंने इस मुल्क की बर्बादी के लिए क्या कुछ नहीं किया, उस खूनी इतिहास के कई अध्याय दिल दहलाने वाले हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।